आपका केमिस्ट्री बाय संदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम रिडक्शन की सीरीज शुरू करने वाले हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हम पढ़ेंगे आज HI और रेड फास्फोरस से रिडक्शन। HI और रेड फास्फोरस क्या करता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम देख सकते हैं HI और रेड फास्फोरस क्या करता है, हमेशा एल्केन बनाता है, कोई भी हो, घोड़ा, गधा, हाथी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एसिड। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब हम इससे बेंजीन रिंग का रिडक्शन करेंगे तो ये बेंजीन रिंग के अंदर के तीनों बॉन्ड को तो ख़त्म कर देगा, लेकिन उसके ऊपर जो ग्रुप लगे होंगे उनको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, आप तैयार हो जाएं। हमने क्या किया, सबसे पहले एसिटाइलडिहाइड का रिडक्शन किया। एसिटाइलडिहाइड का रिडक्शन किया और हमें पता है एल्केन बनेगा ही बनेगा। तो हमने देखा इसमें कितने कार्बन है, हमने देखा दो कार्बन है, तो हमने दो कार्बन वाला एल्केन बना लिया। और भैया अगर दो कार्बन वाला एल्केन भी नहीं आता तो केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ही क्या। फिर हमने एसिड का रिडक्शन किया। जब हमने एसिड का रिडक्शन किया तो हमने देखा एसिड में कितने कार्बन थे, दो, तो हमने फिर से भैया दो कार्बन वाला एल्केन बना दिया। साइड प्रोडक्ट में आयोडीन बनेगी और जितने भी ऑक्सीजन है वो H2O बनकर निकल जाएगी। अब हम गए एल्कीन की तरफ, हमने एल्कीन को देखा, एल्कीन का रिडक्शन किया। एक मेथड तो ये है कि हम इसके डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़े और एक एच इधर लगा दे। और सुपर डुपर तरीका ये है कि भैया एल्केन बनाएगा तो हमने कार्बन गिने, कितने निकले, तीन, तीन कार्बन वाला एल्केन कौन सा, प्रोपेन। अब गए हम एल्काइंस के पास, एल्काइंस का रिडक्शन भी हमने किया HIP से, तो भैया कितने कार्बन, तीन, तो जो एल्केन बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे, उसमें भी तीन ही कार्बन होंगे, तो हमने तीन कार्बन वाला प्रोपेन बना दिया। अब हम गए अल्कोहल के पास, अल्कोहल का रिडक्शन हमने किया HIP से, HIP ने क्या किया, इसको एल्केन में बदल लिया, कितने कार्बन, दो, तो ये जो एल्केन बनेगा ये कौन सा होगा, ये होगा इथेन। तो हम करते हैं इसको सही, तो हम गए अल्कोहल का रिडक्शन करने HIP से, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, और नहीं तो सिंपल हमें पता है एल्केन बनेगा तो भैया देखो कितने कार्बन, दो, और अल्कोहल में कितने कार्बन, दो। हम चलते हैं इसके दो एक दो नए एग्जाम्पल डिस्कस करने, तो देखते हैं नए एग्जाम्पल। हमने तीन एग्जाम्पल फिर से सेलेक्ट किए, तो भैया HIP से किया रिडक्शन, HIP ने क्या किया, इस एथेनॉल को बदल दिया दो कार्बन वाले एल्केन में, ठीक है। अब हम गए बेंजीन रिंग के बाद, तो इसने क्या किया, बेंजीन रिंग के अंदर के सारे डबल बॉन्डों को हटा दिया तो साइक्लोहेक्सेन बन गया, और साथ में मिथाइल साइक्लोपेंटेन भी बनता है। ये कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, आ भी चुका है और अब भी आ सकता है। अब हम गए फिनॉल का रिडक्शन करने, तो हमें पता है कि जब हम HI और P से फिनॉल का रिडक्शन करते हैं तो HIP बेंजीन रिंग के ऊपर वाले ग्रुपों को कुछ नहीं कहता, तो OH तो गया बच और बेंजीन रिंग का सारा पेट हो गया साफ और साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया। अब हम गए ग्लूकोज का रिडक्शन करने, हमने देखा और नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, HIP से हमेशा बनता है क्या, एल्केन। हमने देखा भैया कितने हैं कार्बन, 6, तो बन जाएगा 6 कार्बन वाला एन हेक्सेन। ये आ चुका है JE 18 में कि साइक जब हम ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, इससे बनता है एन हेक्सेन। ये 12th क्लास की प्रॉब्लम भी है, इससे ये प्रूव होता है एन हेक्सेन बनने की वजह से कि ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन, ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में मिलते हैं।
नेक्स्ट रिडक्शन हम डिस्कस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेक्स्ट वीडियो में।